देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं, और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला, वैसे ही पूरा प्रशासन, वहां कलेक्टर, एसपी सब पहुंच गए, और कल रात में यहां एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए, और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं। और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं, और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक है और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है, और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है, और जो इलाज यहां बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेंगे। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।